अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने आप बैठिए ना, एक ऐसे विषय पे आपने एक ऐसे विषय पे हो गई दीपेंद्र जी ऐसा नहीं क्या अध्यक्ष महोदया, आपने आपने एक अत्यंत जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस पे आपने मुझे समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। हाँ, वही करो। ये विषय कोई राजनीति का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदया, आप खुद आपने अपनी संवेदनशीलता दिखाई कि इस पे आपने कई माननीय सदस्यों को आपने अवसर दिया है, जो माननीय ओम बिरला जी ने या अन्य सदस्यों ने कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं तो कल इटावा औरैया में था, वहाँ पे 44 मिलीमीटर की बारिश हुई। मैं तीन घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जहाँ फसल की नुकसान हुई वहीं पे हमीरपुर के कुनेटा गांव के इंद्रपाल किसान ने, जिन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा था, और जब बारिश शुरू हुई अपने खेत पे गए और उनकी उस गेहूं की फसल जो खेत में एक तरह से सो गई, लेट गई, उनको उम्मीद थी अच्छी फसल होगी, हम बैंक की EMI देंगे, उन्होंने वहीं फांसी लगा ली। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में तीन घटना हो गई, एक एक उन्नाव में औरास थाने में पूरा चांदगांव के वीरेंद्र सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली, एक हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर के पनहेटा गांव में राजा भैया तिवारी जी, वो खेत पे गए, घर पे आए, उनको सदमा लगा, उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर से कल की जो उत्तर भारत की बारिश शनिवार की रात से शुरू हुई है, कहीं 22 मिलीमीटर कहीं 42 मिलीमीटर, तो निश्चित तौर से ये एक किसानों की रबी की बहुत बड़ी क्षति हुई है, गेहूं की हुई है, सरसों की हुई है, दलहन तिलहन की हुई, आलू की हुई। मैं चाहता हूं कि अगर राज्य राज्य सरकारें कोई केंद्र से कहें तो टीम यहां से जानी चाहिए और उन राज्यों में जो नुकसान हुआ है असामयिक बारिश के कारण बेमौसम, एक तो किसान को निश्चित तौर से इसका नुकसान कर्ज का, दूसरी तरफ इस मौसम के प्रकोप से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफी नुकसान हुआ है, सिद्धार्थनगर गोरखपुर।